Press the subscribe button and hit the bell icon for more news and updates. कैसी लगी आपको फिल्म? बढ़िया थी, प्लॉट बढ़िया था, नया है फीचर। और अजय देवगन की एक्टिंग? अजय देवगन बहुत। तो गाइस अब तक सबको पसंद आ रही है, आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी। कैसी लगी आपको गाइस फिल्म? और मतलब ये पूरी जनरेशन के लिए है या फिर सिर्फ? और कॉमेडी कैसी लगी आपको अजय देवगन? कॉमेडी इतनी ठीक नहीं थी। ओके, तो कितने स्टार्स दोगे आप इस फिल्म को? आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5, 3.5। ओके, तो आपको बेस्ट कौन लगा इसमें से, तबू, रकुल या फिर अजय देवगन? रकुल। ओके, तो गाइस आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। क्या बेस्ट सीन क्या लगा आपको? बेस्ट सीन वो तब्बू और उसका जो कॉमेडी सीन था वो काफी अच्छा लगा। ओके, राहुल प्रीत और उनको लड़ाई है। तो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा किसके साथ ज्यादा अच्छी लगी, तब्बू के साथ या फिर रकुल प्रीत सिंह के साथ में, अजय देवगन की? रकुल प्रीत के साथ। रकुल प्रीत के साथ फुल कॉमेडी है। कॉमेडी। कितने स्टार्स दोगे आपको आउट ऑफ 5? 5 out of 4। ओके, कैसी लगी आपको? काफी शानदार। अजय देवगन के फैन हो आप? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो बता के जाओ फिर फिल्म के बारे में क्या क्या बेस्ट लगा। डायलॉग्स कैसे थे इसमें मूवी के? डायलॉग वगैरह नहीं थे और मूवी का फैमिली मूवी थी और काफी शानदार। काफी शानदार थी, मतलब ह्यूमरस थी, हंसी मजाक हुई, काफी मजा आया। मतलब इसमें कुछ उसके अलावा थ्रिलर भी था थोड़ा बहुत। हाँ सारी। तो कितने स्टार्स होंगे इस आउट ऑफ 5? 5 out of 5 स्टार्स। ओके, थैंक यू। तो काफी फैमिली भी हमें देखने को मिल रही है। कैसी लगी आपको फिल्म? कैसी लगी फिल्म आपको? कैसी लगी? अच्छी थी फिल्म। कैसे डायलॉग्स और कैसी स्टोरी थी फिल्म की? नाइस मूवी मूवी थी और नई स्टोरी देखने को मिली इस मूवी में। नई स्टोरी देखने को, और बाकी पुरानी मूवी से शानदार थी, अच्छी थी और हंसी मजाक थोड़ा था। अजय देवगन कैसे लगे आपको? अच्छे लगे। कितने स्टार्स दोगे इस आउट ऑफ 5? 5 में से कितने स्टार दोगे आप रेटिंग? 5 में से 5 दोगे? कितने नंबर दोगे इस मूवी को? 5 में से 5 नंबर दोगे? ओके, 5 में से 5 मिल रहे हैं अभी तक अजय देवगन को। कैसी लगी गाइस आपको फिल्म? तो गाइस आज दे दे प्यार दे रिलीज हो चुकी है, जो कि अजय देवगन की एक मच अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका ट्रेलर सभी को पसंद आया था। कैसी लगी गाइस आपको फिल्म? भाई से पूछते हैं। बढ़िया। भाई खड़े होके बता के जाओ। बहुत ज्यादा शर्माते हैं आपके जयपुर के लोग, उनसे पूछते हैं कि इन्हें ये फिल्म कैसी लगी है और अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कैसी लगी आपको फिल्म? ठीक आपको कैसी लगी? नॉर्मल थी यार, इतना मज़ा नहीं आया। इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्या? मतलब क्या कमी रही आप, कमी बता? स्टोरी सही नहीं लगी यार पूरी। स्टोरी लाइनअप सही नहीं था और जो डायलॉग्स थे, जो कॉमेडी सीन्स थे वो कैसे? कॉमेडी था थोड़ी ठीक है, बाकी इतना मज़ा नहीं आया उतना होना चाहिए। इतना मज़ा नहीं आ पाया है लोगों को और कईयों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। तो मिक्स रिव्यूज़ अब तक मिल रहे हैं, लेकिन ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अब इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होता है। तो ऐसा लग रहा है कि अजय देवगन के फैंस कैसी लगी? गजब, एकदम शानदार। गजब, हाँ मस्त एकदम। क्या क्या मज़ा आया इसके अंदर, क्या क्या मतलब अजय देवगन ने क्या क्या कर दिया? मजा आया, अभी क्या क्या कर दिया ये मस्त लगी कैरेक्टर जबरदस्त। अच्छा, ये जो नया कॉन्सेप्ट था, ये पुरानी मेरी नई अलग पुरानी अलग, ये क्या कॉन्सेप्ट था इसमें मूवी में, क्या अच्छा लगा देखने को इसमें? एक तो जबरदस्त कॉमेडी लगी, मस्त जबरदस्त कॉमेडी थी, मस्त एकदम देखने में इंटरेस्ट आ गया एकदम। अच्छा, और बाकी की जो मूवीज होती है जैसे कमर्शियल मूवीज होती है जिनमें पैसा ज्यादा कमता है और स्टोरी थोड़ी अच्छी आती है, लोगों को पसंद आती है, तो वैसी ही फिल्म थी या फिर अजय देवगन की सिंघम वगैरह है और गोलमाल है उनके टक्कर में थी ये कॉमेडी के मामले में? तो ये तो कितने लोगों को पसंद आती है इसके ऊपर है, मेरे को पसंद आप करी मेरे को तो मस्त लगी एकदम, सब और मित्रों से मस्त लगी। आपको कितने स्टार्स दोगे इस आउट ऑफ 5? 5 स्टार पूरे एकदम। 5 के 5 मस्त लगी एकदम। ओके, 5 में से 5 भाई को बहुत ज्यादा अच्छी लगी फिल्म और ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों कि अजय देवगन का जो नया ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो कितना ज्यादा चल पाता है, क्योंकि ये काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ दे रहे हैं इसके साथ में। और अब
जैसा कि और भी जनता हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अभी जैसा एक्सपेक्ट किया गया था फर्स्ट डे का जो क्राउड है, जो अजय देवगन के फैंस नज़र आएंगे वो उतने ज़्यादा अभी नज़र नहीं आए हैं, लेकिन देखते हैं कि इनको ये फिल्म कैसी लगी है। और अभी तक अगर मेरा रिव्यू देखें तो मेरे को फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और अब देखते हैं। यस सर, आपको मूवी कैसी लगी और क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? बात आगे जाइए थोड़ा, दे दे प्यार देगा नहीं पर आपका हमारा सर यूट्यूब लाइव चल रहा है। बहुत अच्छी मूवी, मिक्स्ड इमोशन प्लस कॉमेडी प्लस ड्रामा। और जो अलग कॉन्सेप्ट था इसमें वो कैसा लगा आपको? अच्छा था। कितने स्टार्स होंगे इसका और अच्छा? फोर स्टार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि लोगों को काफ़ी पसंद आई है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ इस मूवी के बारे में देखने को मिल रहे हैं, और क्रिटिक्स की माने तो क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को आउट ऑफ 4.5 स्टार्स दिए। मैम से जानते हैं कि मैम को मूवी कैसी लगी है। मैम, आपको मूवी कैसी लगी दे दे प्यार दे? ग्रेट मूवी। कितने स्टार्स आप? 5 स्टार्स। और मतलब ह्यूमरस थी बहुत ज़्यादा? और ये नई स्टोरी थी, जैसे कि इसमें लव स्टोरी नया था, और इसमें रोमांस और क्या बोलते हैं अपन, रोमांस भी था, और ये सबके फैमिली के साथ देखनी चाहिए, बेटर फैमिली को भी पता चले लव इन रिलेशनशिप इज नॉट जैसे वो सोचते हैं। इसमें देखने को मिला था जैसे ट्रेलर के अंदर सभी को क्या ना, गानों के अंदर भी देखने को मिला कि अजय देवगन जैसे पहले तबू के हस्बैंड होते हैं, डिवोर्स होकर बाहर चले जाते हैं, फिर रकुल प्रीत सिंह के साथ वो रोमांस करते हैं और थोड़ा उनका रिलेशनशिप चलता है, उसके बाद उनसे ही ब्रेकअप हो जाता है। आफ्टर दैट उसमें कैसा ये एक्सपीरियंस था अजय देवगन का इस मूवी के अंदर, जैसे दो दो अलग अलग जगह रिलेशनशिप्स निभाने के बाद? दोनों जगह मैनेज किया हिसाब से, और तब्बू भी उसमें क्या कहते हैं मैनेज किया उनके साथ, और लास्ट में वो उसके साथ चले गए। तो इट्स गुड मूवी, अच्छी मूवी एंड 5 स्टार फैमिली वॉच। थैंक यू मैम। तो मैम का रिव्यू जैसा आप सभी ने देखा कि उन्होंने बताया फैमिली वॉच मूवी है, जैसे कि आप सब जानते हैं अजय देवगन जब भी कोई मूवी लेकर आते हैं वो हमेशा से ही फैमिली वॉच मूवी होती है, फैमिली को पसंद आती है, बहुत ह्यूमरस भी होती है, और इसी वजह से ये फिल्म के अंदर भी बहुत ज़्यादा ह्यूमर देखने को मिला। और सबसे बड़ी खास बात इस मूवी के अंदर ये होती है कि अजय देवगन की उम्र 50 साल की उम्र होती है, जिनका नाम आशीष होता है, और वहीं वो रकुल प्रीत सिंह जो कि सिर्फ 25 साल की होती हैं और उनसे वो इश्क लड़ाते या फिर यूं कहें रोमांस करते नज़र आते हैं, वो दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, और ये बहुत ही ऑड कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। वैसे ऑड नहीं कहेंगे पर ये एक्सेप्टेबल नहीं होता अपने इंडियन सोसाइटी के अंदर आप देखने को मिलेगा जैसे, तो इसके अंदर अजय देवगन ने कुछ नया करने की कोशिश करी है जिसके अंदर वो दिखा सकें कि कितना एक्सेप्टेबल ये चीज़ होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। जिसके अंदर वो दिखाते हैं रकुल प्रीत सिंह के साथ वो रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद वो घर आते हैं, और तो बहुत सारी चीज़ें। इसका कलेक्शन कितना हो सकता है? कलेक्शन की अगर बात करें इस मूवी के बारे में तो पहले दिन का कलेक्शन इस मूवी का तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा का लगाया जा रहा है, क्योंकि ये एक अजय देवगन की मूवी है। साथ ही साथ क्रिटिक्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूवी के पहले रिलीज़ होने से पहले ही क्रिटिक्स अपना रिव्यूज़ दे देते हैं और उस मूवी के बारे में बता देते हैं कि मूवी कैसी होने वाली है, और कई सारी मूवीज़ जिनमें बहुत ज़्यादा शानदार स्टोरी भी होती है पर उनके रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो वहीं अजय देवगन की इस मूवी को अंदर अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हैं, साथ ही साथ क्रिटिक्स ने भी इसको खूब सराहा है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमरस है, अलग स्टोरी है जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। और साथ ही आपको बता दें इसका पेड प्रीव्यू भी रखा गया था, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली और मुंबई जैसी बड़ी सिटीज़ के अंदर इस मूवी का पेड प्रीव्यू भी रखा गया था, यानी कि आज ये मूवी आप सभी के सामने सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है, पर इस मूवी को एक दिन पहले यानी कि कल के दिन ही सिनेमाघरों के अंदर रिलीज़ कर दिया गया था, और पेड प्रीव्यूज के नाम से इस तरीके के उन्होंने स्कीम चलाई थी अजय देवगन ने, जिस वजह से लोगों को थोड़ा सा ये हो कि लोग पहले ही मूवी को देख सकें, जिसमें थोड़ा सा आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है पर आपको मूवी एक दिन पहले देखने को मिल जाती है, जैसे कि बाकी मूवीज़ के प्रीव्यूज़ होते हैं या फिर प्रीमियर्स होते हैं उसकी तरह से। और साथ ही आपको बता दें कि अजय देवगन के साथ रकुल प्रीत सिंह पहली बार सिल्वर स्क्रीन शेयर करती हुई नज़र आ रही है, साथ ही तबू के साथ भी वो काफ़ी लंबे समय बाद काम कर रहे हैं, और जिम्मी शेरगिल और क्या बोलते हैं जावेद जाफरी जैसे इसके अंदर कलाकार भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि एक बहुत ही ह्यूमरस मूवी है, नई स्टोरी है जिसमें आदमी एक पहले से डिवोर्स होता है अपनी एक वाइफ से, और उसके बाद दूसरे रिलेशनशिप में आता है, वो भी वो अपनी से आधी उम्र की
लड़की के साथ, तो उस तरीके की स्टोरी यहाँ देखने को मिलेगी। और ये एक तरीके से आपको बता दें, इसका मेन फोकस मूवी का ये रहने वाला है कि लोग बाग इसको फैमिली के साथ देखें, साथ ही ये प्रमोट करें कि लिव इन रिलेशनशिप आर मच बेटर देन अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लाइक अपन बिना लिव इन में रहे, बिना लव स्टोरी, बिना पहले से प्यार हुए, आप शादी कर लेते हैं उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लोग डिवोर्स कर लेते हैं, इस तरीके की स्टोरीज में दिखाई गई है, जिससे लोग पहले समझें, पहले लिव इन में रहें और अपना पूरा सिस्टम सेट करके ही अपनी शादी को आगे बढ़ावा दें, कुछ इस तरीके की स्टोरी दिखाई गई है। अगर आपने मूवी देखी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी है। तो दोस्तों, इस मूवी को ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, आपको इस मूवी के गाने कैसे लगे हैं, इस मूवी का आप सभी को ट्रेलर कैसा लगा है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी की ऐसी और भी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर, न्यूज़ जंक्शन चैनल पे आपको ऐसी ही बॉलीवुड और बाकी सारी न्यूज़ खबरें मिलती रहेंगी यहाँ पर सबसे पहले। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को और बेल आइकन दबाएं ताकि देश दुनिया की हर खबर पहुँचे आप तक सबसे पहले।